Hello friends, welcome you to Curiosity World. This is Sunny and today in this video lecture, we are going to talk about a small part of precipitation, a small topic. This is rainfall season. So, kya kya rainfall season hote hai, usse baare mein hum baat kar lete. So, pehla to hota hai hamara monsoon season. Monsoon season jo hota hai, wo प्रिंसिपल रेनी सीजन है जिसका जो स्टार्ट होता है मई लास्ट को और ख़त्म होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. और मानसून सीजन इज मेनली ड्यू टू साउथ वेस्ट विंड. सो इस सीजन में तमिलनाडु और कश्मीर के अलावा बाकी सभी एरिया ऑफ द कंट्री इंडिया में रेनफॉल होता है. एक्चुअली चीज़ क्या होता है इस मैप में मैं समझा देता हूँ थोड़ा कि ये साउथ वेस्ट विंड जो मानसून सीजन में आता है और प्राइमरीली ये हिट करता है एट फर्स्ट केरला. दिस इज केरला. केरला को हिट करता है एंड आसाम को हिट करता है. और केरला एंड आसाम रिसीव्स द फर्स्ट रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट विंड एंड आसाम रिकॉर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल in the country. That is at Mousin Gram, जो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमारा रेन इंटेंसिटी रिकॉर्ड किया गया है. सो इसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला होता है वो है पोस्ट मानसून पीरियड. दिस इज द पोस्ट मानसून पीरियड. ये पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर. तमिलनाडु एंड इट्स सराउंडिंग रिसीव्स द रेन. साउदर्न पेनिनसुला रीजन एंड नॉर्थ ईस्ट विंड कॉजेस दिस कॉज रेन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब क्या होता है इस पीरियड में तमिलनाडु और उसके सराउंडिंग एरियाज में रेनफॉल होता है और ये कॉज होता है ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट विंड. एक्चुअली चीज़ क्या होता है ये जो हमारा साउथ वेस्ट विंड है वो इस साइड से आते हैं. मतलब दिस साइड आने के बाद ये हिमालय से जाके टकराता है. हिमालय के जाके टकराने के बाद थोड़ा प्रिसिपिटेशन वहाँ पे होता है एंड बाकी सब रिटर्न होके फिर इस तरफ आके हमारा तमिलनाडु एंड ईस्ट पेनिनसुला रीजन में रेनफॉल होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट नवंबर टू फर्स्ट दिसंबर दिस पीरियड में. सो इसके बाद और एक चीज़ है हमारा जो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन रीजन है. सो इसके कारण क्या होता है इसके कारण हमारा ये जो साउथ वेस्ट विंड है साउथ वेस्ट विंड जो भारी मात्रा में मॉइस्चर कैरी करके इस तरफ से आते हैं वो आके यहाँ पे टकराते हैं. मतलब डिफ्लेक्ट कर वो विंड को डिफ्लेक्ट करते हुए इस तरफ लेके जाता है और इन सभी एरियाज में ड्यूरिंग मानसून सीजन रेनफॉल होता है. और टकराने के बाद हमारा हिमालय से टकराने के बाद ये रिटर्न होके आता है दिल्ली में. इन द मिडवे दिल्ली में आके यहाँ पे रेनफॉल होता है. नाउ अभी बात यह है कि विंटर सीजन में क्या होता है. एक्चुअली यहाँ तक तो माउंटेनियस रीजन है हिमालय रीजन है जो कश्मीर भी पड़ता है. तो मानसून का जो हमारा साउथ वेस्ट विंड है वो रीच नहीं कर पाता. सो इन विंटर सीजन क्या होता है फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द लास्ट वीक ऑफ फरवरी जम्मू एंड कश्मीर रिसीव्स रेनफॉल एंड स्नोफॉल. सो ये क्या होता है हमारा इस रीजन में दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में
हमारा इस पीरियड में फ्रॉम दिसंबर लास्ट टू फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी यहाँ पे स्नोफॉल, एज इट इज़ विंटर सीजन, स्नोफॉल एंड रेनफॉल होता है. सो ऐसे ही हमारा जो रेनफॉल का साइकिल है चलता रहता है, ईयर आफ्टर ईयर रेनफॉल सीजन चलता रहता है. सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन की भी दबा दीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.